दोस्तों, ये है स्क्रैबिक सोप। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्क्रैबिक सोप के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, स्क्रैबिक सोप जो लिफोर्ड हेल्थ केयर का ब्रांड है, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्क्रैबिक सोप में इंग्रेडिएंट क्या है, स्क्रैबिक सोप का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, इसे डॉक्टर कब और क्यों सजेस्ट करते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, और इसे इस्तेमाल करने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको लगाने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। कोई भी दवा या कोई भी ऐसी स्क्रैबिक सोप जैसी कोई भी सोप यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आमिर एंड यू वॉचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों, स्क्रैबिक सोप की जानकारी के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं स्क्रैबिक सोप में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों, स्क्रैबिक सोप में परमेथ्रिन का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, परमेथ्रिन एक एंटी पैरासाइट मेडिसिन है, जिसे परजीवी विरोधी मेडिसिन भी कहा जाता है। दोस्तों, परमेथ्रिन का इस्तेमाल परजीवी या इंसेक्ट्स को मारने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ये खाज वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने में बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, खाज होने पर, खुजली होने जैसी समस्या होने पर डॉक्टर इसे सजेस्ट करते हैं, और खुजली में ये साबुन बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से में या प्राइवेट पार्ट में इचिंग है, या आपको रात में ज़्यादा खुजली होती है, तो आप स्क्रैबिक सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। दोस्तों, परमेथ्रिन का इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, परमेथ्रिन बालों में होने वाले जुओं को भी मारने के लिए डॉक्टर इसे सजेस्ट करते हैं। अगर आपके बाल में डैंड्रफ है या जुएं ज़्यादा है, तो आपको परमेथ्रिन वाली दवा डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं, या परमेथ्रिन सोप अपने बालों में इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। बालों को परमेथ्रिन सोप से अगर आप अपने बाल धोते हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे आपका एक दो ही वॉश में आपका डैंड्रफ या जुएं जल्दी ठीक हो जाए या ख़त्म हो जाए, क्योंकि पैरासाइट की वजह से ही जुएं होती है, और परमेथ्रिन एक एंटी पैरासाइट मेडिसिन है। दोस्तों, अगर स्क्रैबिक सोप के बारे में जाने, तो स्क्रैबिक सोप डॉक्टर हर तरह की खुजली में इस्तेमाल करने के लिए सजेस्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये स्कैबिस को ठीक करने के लिए ही इस्तेमाल में लिया जाता है। स्क्रैबिक सोप नाम से ही पता चलता है, स्कैबिस के इलाज के लिए इसे इस्तेमाल में लिया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पैक में भी लिखा है कि ये एंटी स्कैबिक सोप है, और इसका इस्तेमाल स्कैबिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। स्कैबिस एक छोटा इंसेक्ट होता है, एक छोटा परजीवी होता है, जो काफ़ी तेज़ी से अंडे देना शुरू करता है, और काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ता चला जाता है। इसलिए स्क्रैबिक सोप लगाने पर ये स्कैबिस को और उसके जुओं को जल्दी ख़त्म करता है, जल्दी नष्ट करता है, जिसकी वजह से हमें स्कैबिस से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, स्क्रैबिक सोप, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में दो बार या एक बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं, स्क्रैबिक सोप अगर हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दोस्तों, स्क्रैबिक सोप अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मौजूद परमेथ्रिन होने की वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन जैसी समस्या देखने को मिल सकता है। जिन्हें एलर्जी है परमेथ्रिन से, वो परमेथ्रिन वाली दवा इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। इसे लगाने पर परमेथ्रिन की वजह से कभी कभी किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, या इसके अलावा स्किन में लाल चकते होना, स्किन का ड्राई हो जाना, स्किन में लालीपन होना, रेडनेस हो जाना, त्वचा में जलन होना, सीने में जकड़न होना, स्किन का सुन्न हो जाना, या स्किन में झुनझुनी जैसी महसूस होने जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसके अलावा कोई आपको साइड इफ़ेक्ट दिखे स्क्रैबिक सोप लगाने पर, अगर आपको स्क्रैबिक सोप से कोई अलग तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखे, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और परमेथ्रिन सोप लगाना बिल्कुल भी बंद कर दें। तो दोस्तों, ये तो था स्क्रैबिक सोप के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।